स्वागत है डॉक्टर भवेदी भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट इशू यानी कि मुद्दे की, घर के अंदर पैसा क्यों नहीं रुकता यानी कि बरकत क्यों नहीं होती, क्या कारण है दोस्तों और क्या उनका कोई इलाज है, आपसे वही शेयर करने जा रहा हूँ। पहला नंबर वन, क्या कारण है कि घर में पैसा क्यों नहीं रुकता? उत्तर दिशा में सीढ़ी का होना दोस्तों, आप क्रॉस चेक कीजिए। यदि उत्तर दिशा में आपके घर में सीढ़ी है तो इसका मतलब आपके सिर पे कर्जा भी हो सकता है और इवन तक आपके घर में कभी पैसा नहीं रुकेगा। वो बात अलग है कि पैसा आएगा जरूर तेजी से पर रुकेगा नहीं। और इसका इलाज ये है कि आप जो है एक विंड चाइम जो है उत्तर की सीढ़ी के नीचे जो है टांगिए और एक पाकुआ मिरर की मदद से उस सीढ़ी को दक्षिण दिशा के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। ये इसका इलाज है। नंबर दो, क्या कारण है? नंबर दो है पानी की निकासी। अगर आपके घर के अंदर पानी की निकासी पश्चिम दिशा से या फिर दक्षिण दिशा से होती है तो दोस्तों आपके घर के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, घर में बरकत नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसका एक इलाज है, थोड़ा सा पाइप को एक्सटेंड करा के, कोई भी जुगाड़ लगा के, प्लम्बर से बातचीत करके इसका सॉल्यूशन निकालिए। प्रैक्टिकल सी बात है, ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और पानी की निकासी उत्तर या पूर्व से कीजिए जिससे आपके घर का जितना ही पानी है, जो भी पानी बाहर जाता है वो उत्तर या पूर्व दिशा से निकले, उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर तीन है दोस्तों अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट के अंदर गलती से भी पानी का प्रयोग या उपयोग होता है दोस्तों तो ये काफ़ी घातक होता है। और साथ में अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है तो आपको करना क्या है कि आपको प्रतीक के रूप में एक तो अग्नि का चित्र वहाँ पर दक्षिण दिशा में साउथ ईस्ट की दिशा में यानी कि अग्नि कोण के अंदर लगाना है। कोई भी आप चित्र लगाइए, सीनरी लगाइए, उससे आप पाएंगे कि प्रतीक के रूप में आप जो है काफ़ी हद तक इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप किचन वहाँ पर बना सके तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी भी बात हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो दोस्तों ये जो थे, ये तीन मूलभूत पॉइंट थे, ये ऐसे फंडामेंटल नियम हैं वास्तु के। अगर ये आपकी लाइफ में किसी भी तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं और इन तीनों में से कोई भी पॉइंट्स अगर आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको इनसे कैसे बाहर निकलना है, मैंने आपको उनके ट्रीटमेंट भी दे दिए हैं, फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। आगे भी मुझसे जुड़े रहिए, भवेदी भाटिया टॉक शो के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको और भी कई समस्याओं के समाधान देने वाला हूँ दोस्तों। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।